कर्नाटक के कन्नूर में चार बच्चियों से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। इस विवाद की आग मध्य प्रदेश तक आ चुकी है। मध्य प्रदेश के कई नेता इस विवाद को लेकर अपने अपने बयान दे चुके हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रमुखता से इस पूरे मामले को साधे हुए हैं भोपाल मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद। वहीं भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा, इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद इस विवाद को लेकर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अपना बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर बैन लगाने का किसी भी तरीके से कोई प्रस्ताव अभी लंबित नहीं है। दरअसल इस पूरे विवाद को जोड़ा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बच्चियों के सशक्तिकरण से, जिसके कुछ दृश्य भी हाल ही में हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर इसके अलावा अखबारों में देखे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद को लेकर बयानबाजी शुरू हुई। कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को लपका और कहा कि यह पूरे तरीके से बच्चों की, स्कूली बच्चियों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। सरकार को बच्चियों की दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए, बच्चियों की स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया गया। वहीं इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी बयान आया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से। इसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल से भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने भी इस विवाद में अपना बयान दिया। सबसे पहले एक के बाद एक इन तीनों नेताओं के बयान सुनेंगे। अगर उस हिंदुस्तान की छवि ऐसी बनाना चाहते हो जिस तरह विदेशों में लोग घूमते हैं, तो फिर ये उनका अपना निर्णय हो सकता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश संविधान से चलेगा, इंदर सिंह परमार की जबान से नहीं चलेगा। हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म कोड होता है, लेकिन हिजाब एक पर्सनल ड्रेस कोड है व्यक्ति का। हर इस देश के अंदर अलग अलग वेशभूषा मजहबी हिसाब से है, अगर वो उसको पहन कर जाती है तो उसको किसी को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। 70 साल देश को आज़ाद हुए हुए इसी परंपरा से लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसी परंपराओं से शिक्षा के काम करते आ रहे हैं, ऊँचाइयाँ तक जाते आ रहे हैं, तब कहाँ दिक्कत आ गई, आज क्या दिक्कत आने लगी। इस तरह का कोई भी आदेश ना तो मान्य होगा और ना मान्य करने देंगे। अदालत जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ये देश गांधी का देश है, गोडसे की विचारधारा थोड़ी चलेगा, ये देश गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा चलेगा, इंदर सिंह परमार की जबान से नहीं चलेगा। तो जहां का जो अनुशासन है वहां वो अनुशासन अपनाइए। आपके मदरसे होते हैं, आप मदरसों में हिजाब लगाएं या कुछ और करें, हमें क्या मतलब है। आप बिल्कुल वहां अपनी वेशभूषा में रहिए, वहां के अनुशासन में रहिए, लेकिन आप अगर बाकी पूरे देश का जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनका अनुशासन बिगाड़ोगे और ज्ञान का अनुशासन बिगाड़ोगे, ज्ञान में अगर हिजाब ये चलाने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम महिलाओं को सशक्त दिखाने की एक होड़ चालू हुई। कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने बच्चियों को एक कॉलेज में बुर्का और हिजाब में फुटबॉल मैच कराया। इसके अलावा एक और वीडियो मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया पर छाया रहा, जिसमें कुछ बुर्का पहने बच्चियां बुलेट और मोटरसाइकिल चलाती हुई दिखाई दी। इन वीडियो से यह साबित किया जा रहा था कि बच्चियां जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे सशक्त हैं, लेकिन आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो साबित कर देगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक तरफ जहां जो नेता महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरे हाथ में रिपोर्ट है प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की, जिसके मुताबिक दिसंबर महीने में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में बात हुई कि बच्चियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा, जो कि पूर्व में 18 साल थी। जैसे ही सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को लाया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हुआ वह आपको चौंका देगा। जी हाँ, जहां पहले 18 साल की उम्र में बच्चियों की शादी होती थी, उसको 21 साल करने की जैसे ही बात शुरू हुई तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित तमाम शहरों में अचानक से ग्राफ बढ़ा। ये ग्राफ क्या था,
ये ग्राफ था मुस्लिम बच्चियों के लगातार निकाह का ग्राफ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर जैसे 10 शहरों में अचानक से निकाह की संख्या में 42 से लेकर 700% तक की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मस्जिदों में यह निकाह संपन्न हुए। इन निकाहों की जब पड़ताल की गई, सबसे ज्यादा निकाह के आंकड़ों में जो इजाफा दर्ज हुआ, वो इजाफा दर्ज हुआ राजधानी भोपाल से लगे हुए रायसेन जिले में, जहां पर लगभग 700% तक निकाह में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा भोपाल मस्जिद कमेटी के सचिव यासिर अराफत ने बताया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में निकाह के करीब 1000 आवेदन आए। इनमें से अधिकांश ने अगले कुछ दिनों में निकाह की तारीख दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वह अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिन बच्चियों की शादी हो रही थी, जिन बच्चियों के निकाह हो रहे थे, वह सभी 18 से 20 के बीच की बच्चियां थी, यानी कि 21 साल से ऊपर की काफी कम बच्चियों के निकाह के लिए यहाँ पर आवेदन दर्ज किए गए थे। चलिए अब हम बात करेंगे शहर वाइज शहर, मध्य प्रदेश के किन किन शहरों में निकाह के मामलों में बढ़ोतरी हुई। दैनिक भास्कर के मुताबिक मध्य प्रदेश के रायसेन में 727% तक निकाह के मामलों में बढ़ोतरी हुई। विदिशा में 300% तक की बढ़ोतरी हुई। शिवपुरी में 250 तक की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार से बैतूल, खरगोन, भोपाल, राजगढ़ में भी 100% से ज्यादा निकाह के आंकड़े उफान पर आ गए। अब आप देखिए, एक जो वर्ग है वो कहता है हम बच्चियों को सशक्त बनाना चाह रहे हैं, हमारी बच्चियां इतनी सशक्त हैं कि वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं, वो बुर्का में फुटबॉल खेल सकती हैं तो वो बुर्का में बुलेट गाड़ी भी चला सकती हैं। अब इन आंकड़ों से आप अनुमान लगाइए, 18 से 20 साल की जिन बच्चियों की शादी हो रही है, वे बच्चियां अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, लगातार 700% तक के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। इतने बड़े पैमाने पर छोटी छोटी बच्चियों के निकाह महज एक इस खबर के बाद होने लगते हैं कि देश में बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल की जा रही है। इस खबर के आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा बड़ा शहर नहीं बचा जहां निकाह के मामलों में बढ़ोतरी आई हो। एक तरफ आप ढिंडोरा पीटते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके इन दावों की पोल खोलते हैं यह आंकड़े, क्योंकि इन आंकड़ों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि काफी छोटी उम्र की बच्चियों की शादी की जा रही है। तो क्या इन बच्चियों को सशक्त आप नहीं बना सकते? जब इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई तो कांग्रेस के इन विधायक महोदय ने उस समय अपने मुंह में दही जमा लिया था। इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ अब हिजाब वाला मामला है। हिजाब वाले मामले में आरिफ मसूद के द्वारा लगातार एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं और वे नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में हिजाब का मामला ठंडे बस्ते में जाए, जबकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव लंबित नहीं है। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।